टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास और ये है मैं अंकिता। सो गाइस, ये सीजन, ये अब मंथ आ चुका है गणपति बप्पा मोरिया बोलने का, क्योंकि गाइस गणेश चतुर्थी है, बस एक महीना को है, एक महीना आने वाला है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अंकिता? अभी हम लोग जा रहे हैं गणपति जी का बुकिंग करने के लिए, क्योंकि मूर्ति बनने में भी एक महीने का टाइम लगता है, डिजाइन पसंद करना, हम लोगों को सब कुछ पसंद करना है। तो हम लोग अभी जाएंगे, बुकिंग करेंगे, बुकिंग ऑर्डर देंगे तो हम लोगों को समय से मूर्ति भी मिल जाएगी। इसलिए गाइस आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, हम लोग सारे ब्लॉग को अपलोड करने वाले हैं। एंड अभी हम लोग मूर्ति को जा रहे हैं देखने के लिए, अभी जस्ट निकलेंगे, सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो गाइज आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इस बार हम लोग कौन सा मूर्ति लेकर आएंगे गणपति जी का। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहें, प्लीज़ बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ब्लॉग कमिंग सून ब्लॉग है, तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और हम लोग चलते हैं। बोलते रहिए गणपति बप्पा मोरिया। फाइनली गाइज हम लोग अब जा रहे हैं गणपति बप्पा का मूर्ति डिसाइड करने के लिए कि इस साल हम लोग कौन सा मूर्ति अपने साथ लाएंगे। और हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आप लोगों को वहाँ पे दिखाएंगे मूर्ति का कलेक्शंस, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शंस उनके पास होता है, तो मूर्ति को चूज करने में आप लोग भी हमारा हेल्प करिएगा। एंड गाइज हमारे वीडियो को देखिएगा, बिकॉज हम लोग गणपति जी का सारी चीज़ों का हम लोग ब्लॉग अपलोड करने वाले हैं। और ये बाबू का बदमाशी स्टार्ट हो चुका है। बेटा हाय 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 से हाय, उसका हाय यही है। आप लोग वीडियो में बने रहे गाइस, चलिए फटाफट से हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको सारे कुछ दर्शन कराते हैं और मूर्ति कौन सा लेते हैं वो भी दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग अब नीचे उतर चुके हैं और जा रहे हैं, बस कुछ ही दूर में अब जो मट्टी से बनाते हैं मालिकार जिसको बोलते हैं उनके पास जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। सो अंकिता कैसी हो, एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। वीडियो को कट करिए। तो गाइस आप देख सकते हैं अंकिता आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मूर्तिकार ने यहाँ पे, अभी दशहरा भी आ रहा है ना गाइस, तो उसी की तैयारी है पूरा अच्छे से। यहाँ चारों तरफ ये एक अलग फील ले जाता है, जो मिट्टी की दुनिया होता है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, माटी से। मिट्टी की दुनिया बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सब ना गांव में मिलता है माहौल, बट हम लोगों को तो बहुत ही कम सभी को मौका मिलता है। चलिए आगे भी दिखाते हैं गणपति बप्पा का मूर्ति वगैरह। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, जो कि बनकर इतना रेडी हो चुका है, बस इसमें पेंट वगैरह होना बचा हुआ है। यहाँ पे बन भी रहा है मूर्ति का, तो कलेक्शन बहुत सारा है, तो हम लोग चूज कर रहे हैं अभी गणपति जी का क्या कहना है। देखिए क्या कोई कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पत्ता कौन सा, ये वाला ना? हाँ बनने के बाद बहुत पसंद आया इतने में से। तो गाइस मुझे ये मूर्ति काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आफ्टर ऑल जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। दिस वन उन्होंने ये डिसाइड किया है, ये देख लो आप, बिल्कुल सेसना वाला है डिजाइन, एक ये हमें पसंद आ रहा है और दूसरा ये है, ये शिवाजी स्टाइल है, शिवाजी टाइप है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये फाइनल होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा गणपति बप्पा मौर्या। सो यही डिसाइड करते हैं। हाँ फाइनल, ठीक है।
और भी डिजाइन अभी भैया लोग तैयार कर रहे हैं। सो गाइस हमारा डिसीजन तो हो गया, हम लोग ये गणपति जी को ला रहे हैं अपने घर, कर दिया है। ये भैया कहीं शॉप है यहाँ पे, तो भैया वो मूर्ति कैसा एकदम अच्छा फिनिशिंग करके दोगे ना आप? हर साल तो हम लोग इन्हीं से लेते हैं, इसलिए नो डाउट फिनिशिंग के मामले में तो ये लोग बेस्ट देते हैं। तो गाइज इनका शॉप है धनबाद में, आप लोग भी आके देख सकते हैं। बहुत सारी मूर्ति मैंने तो आपको पहले भी दिखा चुका है, और भैया ने हमें 500 का डिस्काउंट भी दिया है, टोटल 4500 था जो कि हमें 4000 में दिया है भैया ने। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अब बाकी मैं जिस दिन आऊँगा 31 को गणेश चतुर्थी है, तो 30 को आऊँगा मैं लेने के लिए, तो उस दिन मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा कि ओवरऑल इन लोगों का फिनिशिंग कितना अच्छा है। और गाइज इनके आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 मेंबर काम कर रहे हैं, दशहरा भी आने वाला है तो दशहरा की भी आप मूर्ति देख सकते हो। और तो भैया एक मूर्ति तैयार करने में कितना दिन लग जाता है आप लोगों? अच्छा आप नहीं करते हो? हम नहीं, नया है। ओके ओके, तो भैया मूर्ति तैयार करने में कितना दिन लगता है गणेश जी का? एक बनाने में उसको साइज के हिसाब से होता है कितना बड़ा। अगर मैं जो साइज ले रहा हूँ जो शेषनाग वाला है उसमें कितना दिन लगता है आप लोगों को कंप्लीट होने में? बनाने में 6-7 दिन लग जाएगा। 6-7 दिन और पूरा फिनिशिंग करने में? फिनिशिंग करने में 1 दिन लगेंगे, कलर करने में 1 दिन लगेंगे। तो गाइस अभी तो बहुत दिन है, अभी 1 महीना बचे हुए हैं, तो मैं बहुत पहले ही आके बुक कर लिया हूँ क्योंकि सब सेल आउट हो जाता है जल्दी, अच्छे अच्छे डिजाइन निकल जाते हैं यहाँ पे बुक कर लेते हैं, इसलिए मैं 1 महीना पहले ही आके ये डिजाइन फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डिजाइन मैं पहले से सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो मैं आपको फाइनल टचअप जब हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा। कुछ फोटोग्राफीज भी मैंने भैया से परमिशन मांगा है, उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो 1-2 दिन में आके मैं फोटोग्राफी भी यहाँ पे करूँगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज आपको कैसा लगा ये वीडियो? सब कुछ मैंने आपको दिखाया, एक एक भैया से भी बात कराया, और मूर्ति भी आपको डिसाइड कराया कि कौन सा हमने मूर्ति पसंद किया। क्यों अंकिता? हम लोगों ने तो चूज कर लिया मूर्ति को, और बहुत जल्दी ये वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे, हमारे इस ब्लॉग को आप लोग जरूर देखिएगा, और जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइज ये है गणपति बप्पा मौर्य। हाँ आप लोग ही बने रहे गाइज, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और गणपति बप्पा मौर्य। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक टेक केयर, गुड बाय।